घोड़े चढ़े, वो लोग पहले सब कुछ बंद कर दिए थे, दाढ़ी रखना बैंड, कुरान पढ़ना बैंड, नमाज पढ़ना बैंड, और आज देखिए अल्लाह का फिटकार और भगवान का फिटकार कैसा पड़ा है। खुद बोलो मस्जिद बोलो, खुद बोलो मंदिर बोलो, खुद बोलो कुरान बांटो, खुद बोलो गीता बांटो, इसलिए मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी सुधर जाइए, वरना आपके ऊपर भी कोरोना वायरस आ सकता है। अरे आप तो बहुत शेर है और शेरनी है, तो इतना
हमारी दिल्ली में तेरी गोली खत्म हो जाएगी पर हम नहीं, कभी नहीं। ये बात याद रखना जियो अंबानी। और जो ये जो इतना इतराते हैं ये सिर्फ जियो इतराते हैं ना, इसीलिए इतराते हैं, वरना अगर जियो बंद करते हम तो वे तो बंगाली बन जाते, बंगाली बन के यहाँ आके भीख मांगते। और एक एक दिन एक कहा एक ने कहा था, एक अंकल है कि आप लोग को एकदम रहना एकदम डर से ठीक है, अगर आपके पास मोदी जी आपके कर्मों पर गिर के भी बोल सकते हैं बेटा दे दे अब तो दे दे कागज, इतना वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने चाय बेच सकते हैं, जब उन्होंने कहा हम भीख मांग सकते हैं तो इतना कुछ क्यों नहीं कर सकते। और वो लोग ना रियली में भीख मांगते हैं, बोले कैसे रियली में भाग मांगते हैं भीख, वोट दे, वोट देने का जब दिन आता है तो भाइयों बहनों आप हमें वोट तो अच्छे दिन आएंगे।